लोग अपनी जन्म पत्री दिखाने के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं, लेकिन बाबा तो हम बच्चों की जन्म पत्री के साथ साथ हमारी कर्म पत्री को भी जानते हैं, और इसलिए बाबा केवल आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं देते, लेकिन वो कर्मों का ज्ञान भी देते हैं। क्योंकि जब तक कर्म श्रेष्ठ ना बने तब तक मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता, और इसलिए भगवान कहते हैं अगर कर्म श्रेष्ठ करने हैं तो मेरी शरणागत हो जा। अब सोचने की बात है कि शरणागत होने का और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का आपस में क्या कनेक्शन है। बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं वो तन मन और धन इन तीनों के संबंध में करते हैं, और जब हम शरणागत होते हैं तो उसका अर्थ भी यही है कि हमने तन मन धन प्रभु के अर्पण कर दिया। अब अगर इस तन से कुछ भी करना है तो तन के संबंध में पाप कर्म ना हो जाए, ये शिक्षा परमात्मा देते हैं, और ये शिक्षा परमात्मा तब देते हैं जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं, क्योंकि वो बाप टीचर सदगुरु हैं। और कोई भी पिता शिक्षा अपने पुत्र को ही देता है, किसी अन्य को नहीं। कोई भी शिक्षक पढ़ाई अपने स्टूडेंट को ही पढ़ाता है, किसी और को नहीं। और कोई भी गुरु कोई मंत्र देता है तो अपने शिष्य को ही देता है, किसी और को नहीं। इसी तरह से धन के संबंध में हमको क्या करना है, धन कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, उसके संबंध में कोई पाप करना हो जाए तो ये शिक्षा भी भगवान तब देंगे जब धन भी उनके अर्पण हो जाएगा, और मन को भी कहाँ लगाना है ये शिक्षा भी वो तब देंगे जब मन भी उनके अर्पण हो जाएगा। तो जो शरणागत हो जाते हैं अर्थात प्रभु की श्रीमद प्रमाण तन मन धन लगाते हैं वो पापों से बच सकते हैं, इसलिए शरणागत का बहुत महत्व है।